हेलो एंड नमस्कार, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में 15 नंबर तक का जितना भी क्वेश्चन था उस सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया था। आज हम लोग 16 नंबर से आगे जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसका बोल रहा है कि मान पता कीजिए, मान क्या होगा। इसका मान पता करने के लिए आपको रेंज पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। अब देखिए यहाँ पे 2π/3, 2π/3 का मतलब हो गया पाई का मतलब 180, भाग देंगे तो 60 × 120। 120 क्या यहाँ पे π/2 और -π/2 और π/2 से के बीच नहीं आ रहा, मतलब उससे बड़ा है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस रेंज के अंतर्गत लाना पड़ेगा। इस रेंज में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन इसको हमको तोड़ना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि साइन पाई -π/3। चेक कर लेते हैं, पाई माइनस करने पर देखिए यहां पर 0, ये हमारा पाई होता है, ये π/2 होता है और ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, π/π-π/3। π-π/3 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम इसको कर सकते हैं कि साइन π-π/3। चलिए चेक कर लेते सही है कि गलत। अब नीचे हम क्या 1 डाल सकते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 होगा, यहाँ पे 3π-π तो 2π/3 जो पहले था वो भी आ जा रहा। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री -θ मतलब π-θ, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पर π/3 है। तो क्या हम यहाँ पे साइन π-π/3 को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन π/3। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना है तो π/3, यही अपने लोगों का क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक बार हम फिर से बोल देते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका मान क्या होगा, हम लोगों से मान पूछा जा रहा है। इसका यहाँ पे मान पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच होता है। यहाँ पे 2π/3 मतलब कितना, 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या होगा, उस रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। इस मान को तोड़ करके हमको क्या करना पड़ेगा, उस रेंज के अंतर्गत लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं कि साइन π-π/3 मतलब होगा साइन π/3, या हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे साइन 180 डिग्री -θ, हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π-π/3, हम लोग इसको क्यों तोड़े, क्योंकि नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3π-π/3 मतलब कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स को हम लोग ऐसे रहने देते हैं, साइन 180 डिग्री -θ साइन थीटा होता है फॉर्मूला से। यहाँ पे आप देखिए π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 का मतलब यहाँ पे माइनस में π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है, अतः ये हमारा π/3 सही है, उस रेंज के अंतर्गत आ रहा है। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह पर क्या π/3, यही आप लोगों का क्या होगा आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेन इनवर्स 10 3π/4 का बोल रहा है कि मान पता कीजिए। यहाँ पर टेन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच। अब यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस मान को लाना पड़ेगा। इस मान को लाने के लिए यहाँ पर टेन इनवर्स टेन, अब क्या करना अपने लोगों को, इस मान को तोड़ना। इस मान को तोड़ने के लिए हम लोगों को कहाँ चलना पड़ेगा, 11th में। 11th में आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि tan 180 डिग्री -θ बराबर होता है माइनस में tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं, tan 180 डिग्री -θ बराबर होता है माइनस में tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हम इसको लिख सकते हैं कि π-π/4। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे एलसीएम 4 होगा, यहाँ पे 4π-π 3π/4 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स हम लोग ऐसे रहने दें, tan 180 डिग्री -θ, tan 180 डिग्री -θ माइनस में क्या होगा tan थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह पर कितना है तो π/4 है।
अब देखिए आप लोग एक ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं, इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिकल फंक्शन में टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस में टेन इनवर्स थीटा। अब सोचिए यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस में थीटा बराबर होगा माइनस में टेन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पर कितना होगा टेन पाई बाय फोर होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा की जगह पर कितना है तो पाई बाय फोर है, माइनस है तो माइनस को रहने दिए, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह पर कितना पाई बाय फोर तो माइनस में टेन पाई बाय फोर, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बोल रहा है कि टेन साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव प्लस कॉट इनवर्स थ्री बाय टू, बोले इसका मान क्या होगा, मान हम लोगों से पूछा जा रहा है। एक काम कर ले, इस साइन इनवर्स को यदि हम टेन के फॉर्म में ले आए और कॉट इनवर्स को भी यदि हम टेन के फॉर्म में ले आए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग सकता है। फिर जब ये फॉर्मूला लग जाए तो टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा डायरेक्ट हमारा मान क्या होगा निकल जाएगा। इस मान को निकालने के लिए अब थोड़ा सोचिए, यहाँ पे साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव है, हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में दिलाना चाहे तो थोड़ा सोचिए यहाँ पर क्या है लंब बट्टा कर्ण, मतलब पी बाय क्या है एच है, टेन हमारा क्या होता है बी बाय एच, सॉरी बी बाय पी बाय बी, यहाँ पे पी की जगह पर तो तीन रहेगा लेकिन यहाँ पे हमको बी पता नहीं है तो पी का जो मान है P का मान तीन है और S का मान क्या है पांच है, हमको B चाहिए, B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होगा पी स्क्वायर, या B बराबर रूट अंडर S के जगह पर हम लोग पांच का स्क्वायर कर ले माइनस P के जगह पर हम लोग तीन का स्क्वायर कर ले, यहाँ पर B बराबर होगा पच्चीस और माइनस नौ, या B बराबर होगा पच्चीस में से नौ का डालेंगे तो सोलह होगा और यहाँ पर B बराबर कितना तो चार। अब बताइए साइन इनवर्स तीन बट्टा पांच के जगह पर टेन इनवर्स तीन बट्टा चार हम लोग लिख सकते हैं। अब दूसरा जो बात है यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो बताइए यहाँ पे कॉट इनवर्स कितना है तो तीन बट्टा दो है, कॉट इनवर्स को जब हम टेन इनवर्स के रूप में तोड़ना चाहें तो टेन इनवर्स यहाँ पे बी बाय क्या है बी बाय पी है और टेन होता क्या है पी बाय बी, तो पी की जगह पर दो और बी की जगह पर तीन, अब हम लोग ये मान लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेन को हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पे साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स थ्री बाय फोर और प्लस कॉट इनवर्स थ्री बाय टू की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स टू बाय थ्री। अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, तो याद करिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटा वन माइनस एक्स वाई, इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लगाए यहाँ तो हो जाएगा टेन टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे टेन इनवर्स x x की जगह पे तीन बटा चार होगा प्लस y y की जगह पे दो बटा तीन होगा बटा यहाँ पर वन माइनस एक्स वाई एक्स की जगह पे तीन बटा चार इंटू वाई की जगह पर होगा दो बटा तीन। अब देखिए यहाँ पर क्या तीन से तीन कटेगा हाँ कटेगा, अब देखिए यहाँ पर टेन को लोग ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर टेन इनवर्स यहाँ पे चार और तीन का एलसीएम कितना हो जाएगा तो बारह होगा, बारह में चार से भाग देंगे तीन, तीन को हम तीन से गुणा कर ले यहाँ पे नौ हो जाएगा और प्लस बारह में तीन से भाग देंगे चार, चार दो कितना हो जाएगा आठ, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा चार होगा, यहाँ पर चार माइनस दो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टेन टेन इनवर्स नौ आठ सत्रह बट्टा बारह और ये उलट करके होगा चार बट्टा दो, अब देख लीजिए यहाँ पर दो से कटेगा दो दूनी चार और दो से कटेगा दो छके बारह, टेन इनवर्स टेन टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा तो थीटा के जगह पर कितना होगा सत्रह बटा छह, हम इसको पूर्णांक में तोड़ दें तो छह अठारह हो जाएगा, छह दूनी बारह और पांच सत्रह दो पूर्णांक पांच बटा छह, ये अतिक्रमण का क्या होगा आंसर हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है आपको समझ में, आप इसको लिख लीजिए। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन क्या बोला कि कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाय सिक्स का मान क्या होगा निकालिए, इसका मान निकालने के लिए
इसका जो रेंज होता है कॉस इनवर्स का जीरो से लेकर के पाई। अब देखिए यहाँ पर 7/6 जीरो और पाई के बीच में नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा इस रेंज में। तो इस रेंज में लाने के लिए, इस रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब क्लास 11 में थे तो क्वाड्रेंट पढ़े थे जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू और ये कितना तो टू का। अब देखिए कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। हमको यहाँ पर लाना किस में है, तो जीरो और पाई के बीच में, जीरो और पाई के बीच में। और कॉस पॉजिटिव होता कहाँ कहाँ है, जीरो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम टू पाई माइनस यदि कर ले हैं, फर्स्ट सोचिए यहाँ पे कॉस इनवर्स हम लोग ऐसे लाने देते हैं, यहाँ पे कॉस क्या 7/6 को यहाँ पे 2π माइनस 5π/6 यदि लिखे तो सोचिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 6 × 12, 12 से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 7π/6। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, चूंकि cos 2π माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 2π माइनस थीटा बराबर cos थीटा। यहाँ पर cos इनवर्स को हम लोग ऐसे रहने देते हैं। अब सोचिए cos cos 2π माइनस थीटा, इसको थीटा सोचिए, cos 2π माइनस थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा, थीटा की जगह पर कितना होगा 5π/6 होगा। अब देखिए यहाँ पर cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह पर कितना होगा 5π/6। ये आपका आंसर होगा, आपके बुक का ऑप्शन नंबर 4 तो बी आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अब इसको लिख लीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि साइन 5/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान क्या होगा, मान हम लोगों से पूछा जा रहा है। इसके लिए फॉर्मूला यूज होना है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस में साइन इनवर्स थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन को हम लोग ऐसे रहने दे, यहाँ पे 5/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस में थीटा बराबर माइनस में साइन इनवर्स थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पर कितना है साहब जी 1/2 है। अब बताइए यहाँ पे साइन को हम लोग ऐसे रहने दे, यहाँ पे 5/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन कितना डिग्री, तो 5/6 हो जाएगा मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन को हम लोग ऐसे रहने दे, यहाँ पे 5/3 और प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह पर कितना होगा 5/6 होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 5/6 और 5/3 दोनों को जोड़ दे तो 5/2 हो जाएगा, 5/3 मतलब 60 डिग्री, 5/6 का मतलब 30 डिग्री, 60 और 30 90, 90 का मतलब 5/2 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस में √3 इसका मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। इसका मान पता करने के लिए यहाँ पर टेन इनवर्स √3 को हम लोग ऐसे लाने रखते हैं माइनस, अब एक चीज बताइए कि फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। फिर से बोलते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अब देखिए यहाँ पे माइनस तो रहने दिए, कॉट इनवर्स माइनस में थीटा बराबर होगा क्या पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पर कितना होगा √3। अब देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स √3 को हम लोग ऐसे लाने रहते हैं, माइनस दोनों में गुना हो जाएगा तो माइनस में पाई होगा, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स कितना तो √3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना तो π/2 होता है। अब देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स इसको x मान ले प्लस कॉट इनवर्स x मान ले, तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान क्या होगा π/2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर π/2 माइनस कितना होगा 5, अब नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे एलसीएम कितना तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस 2π यहाँ पे हो जाएगा माइनस में π/2। आपका कौन सा ऑप्शन, बी नंबर का ऑप्शन सही है। इस प्रकार से
आप लोगों का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गया। इसमें टोटल 21 क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए इससे पीछे का यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।